एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे चिली चिकन या फिर ड्राई चिकन चिली। एकदम रेस्टो स्टाइल बनेगी और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनेगी। कुछ ही इंग्रेडिएंट्स में बनके रेडी हो जाएगी और बहुत ही कम टाइम लगेगा और आप इसे इजीली बना पाओगे। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। 250 ग्राम बोनलेस चिकन को मैंने ऐसे स्मॉल पीसेस में कट करके लिया है। अब इसमें ऐड करूंगी थोड़ा सा करी पत्ता, 1 टीस्पून डालेंगे हम क्रश्ड गार्लिक और डालेंगे 1 टीस्पून क्रश्ड जिंजर और इसके साथ ऐड करेंगे हम 1/2 टीस्पून विनेगर, 1/2 टीस्पून डालेंगे हम सोया सॉस और डालेंगे हम थोड़ा सा मस्टर्ड सॉस, 1/2 टीस्पून डालेंगे सॉल्ट, 1/2 टीस्पून डालेंगे इसमें शुगर और डालेंगे हम 2 एग और इसे अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। 3 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर डालेंगे। कॉर्नफ्लावर की जगह आप मैदा डाल सकते हो लेकिन मैदे से क्रिस्पी नहीं बनेगा। मिक्स करेंगे और इसमें डालेंगे 1/2 टीस्पून हम ब्लैक पेपर पाउडर, पहले ही डालना होता है, मैं भूल गई थी। मिक्स करेंगे, अब इसे लो फ्लेम पे हम फ्राई करेंगे दोनों साइड से एकदम गोल्डन ब्राउन होने तक। गैस के फ्लेम को हमें बढ़ाना नहीं है, अदरवाइज अंदर से कच्चा रह जाएगा और बाहर से गोल्डन ब्राउन हो जाएगा। तो देखिए बन चुका है, अब इसे एक टिश्यू में हम निकाल लेते हैं। पैन को गरम करेंगे, डालेंगे 1 टीस्पून वेजिटेबल ऑयल, अब इसमें डालेंगे 1/2 टीस्पून क्रश्ड गार्लिक, 1/2 टीस्पून क्रश्ड जिंजर और थोड़ा सा डालेंगे हम ग्रीन चिली। इसे 2 मिनट के लिए भुनेंगे, फिर इसमें डालेंगे हम डाइस कट वेजिटेबल यानी बड़े बड़े पीसेस में कट करके अनियन लिया है, कैप्सिकम एंड टमाटो, 1/2 टीस्पून सॉल्ट, 1/2 टीस्पून डालेंगे शुगर, 1/2 टीस्पून से कम डालेंगे हम ब्लैक पेपर पाउडर। मिक्स करेंगे, इसे बिना ढके हमें 7-8 मिनट भुन लेना है लो फ्लेम पे, बीच बीच में हम चलाते रहें। वेजी सौते हो चुकी है, अब इसमें डालेंगे 1/2 कप पानी, 1/2 टीस्पून डालेंगे सोया सॉस, 1/2 टीस्पून चिली सॉस एंड डालेंगे हम 1 टेबलस्पून के अराउंड टमाटो केचप। इसे मिक्स करेंगे, 2 मिनट के लिए इसे अच्छे से हम पका लेंगे। अब इसमें हम ऐड करेंगे कॉर्नफ्लावर, मैंने लिया है 1 टीस्पून कॉर्नफ्लावर, उसमें डालेंगे हम नॉर्मल टेम्परेचर वाला पानी और इसे मिक्स करेंगे। एकदम लम्स फ्री हम एक स्लरी बनाएंगे, उस स्लरी को हम डाल देंगे और इसे अच्छे से हम मिला लेंगे। अब इसे हमें पकाना है 3-4 मिनट के लिए। तो देखिए ये पक चुका है, अब इसमें हमने जो चिकन रखा था उसे डाल देंगे। अब बस इसे हम मिक्स करेंगे और गैस को हम ऑफ कर देंगे। तो देखिए इजीली हमने घर पे ही बना लिया है चिली चिकन या फिर ड्राई चिकन चिली। बहुत ज़्यादा इजी रेसिपी है और एकदम रेस्टोरेंट जैसा टेस्ट आता है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना। मैंने इसे सर्व किया है एक राइस के साथ, आप चाहो तो इसे नूडल्स के साथ भी सर्व कर सकते हो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो फिर लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।